को बहुत बहुत मुबारक के वालेकुम सीजन सलाम। थ्री जाने मन का माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हो रही है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पे माशाल्लाह इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में शरीक हैं। तो अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। डॉक्टर इम्तियाज आमीन। अहमद खान साहब का तारुफ कराना भी वैसे ही है जैसे कि सूरज को यहाँ बैठ के चिराग दिखाना। और मेरे पास है मवाद इनके बारे में इतना कि एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। और लेकिन वक्त ऑफ कोर्स बहुत कम है हमारे पास, तो हम शॉर्ट में इनकी कुछ बातें बताएंगे जो कि ताल्लुक रखती हैं हम लोगों को मोटिवेट करने में जो काम आती है। बेसिकली उनके जो उनकी जो मेहनत रही है, तो अब एक बहुत सी पॉजिटिव बातें लोग बता मतलब पॉजिटिव बातें ही बताई जाती हैं जनरली जब तारुफ कराया जाता है तो। मगर मैं एक नेगेटिव बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। वो ये है कि डॉक्टर साहब ने जितनी मेहनत की है तो वो चाहते हैं कि सब उतनी ही मेहनत करें, तो वो मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए ना, खासतौर से हमारे जो छोटे बच्चे हैं आज यहाँ, उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है सोशल मीडिया के जमाने में। अब डॉक्टर साहब ने जब मेहनत की थी तब उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, पढ़ाई के अलावा शायद कोई और काम, गुल्ली डंडा खेलते रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा बहुत खेल कूद लेते रहे होंगे। लेकिन गार्जियन इतने सख्त थे, वालिद साहब के बारे में कहते हैं कि हमारे वालिद साहब इतने सख्त थे पढ़ाई के मामले में कि 5 बेटियों के बाद ये पैदा हुए थे, तो 5 बहनें इनसे बड़ी थीं। इनको लगता था ये जो है कहीं से उठा लिए गए हैं, इनको जो है वालदैन ने कहीं और से यतीम खाने वगैरह से उठा के घर में ले आए हैं। इतनी सख्ती होती थी इनके ऊपर में पढ़ाई को लेकर के। तो वो सख्तियां तो आजकल होती नहीं है घरों में, बच्चों को इतना प्यार करते हैं हम लोग जो है वो कि वो कहते हैं चोचला इतना करते हैं बच्चों का कि बच्चे जो है वो माशाल्लाह गार्जियंस को भी पेरेंट्स को भी फ्रेंड्स मानते हैं। अच्छी बात इसमें भी अच्छा ही है, लेकिन सख्त जहां तक मेहनत करने का सवाल है तो फिर आपके जितना मेहनत तो बहुत मुश्किल काम है यार। हमारी जनरेशन के लिए भी मुश्किल था और हमारे बाद की जनरेशन के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो माशाल्लाह उलहनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव है, छपरा के पास उलहनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ के रहने वाले हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस गांव में गया हूँ। रबर कोचिंग सेंटर चलता है, उस शुरुआत हुई थी रबर कोचिंग सेंटर की उस गांव में, तो इसकी वजह से मुझे जाना था। इनोग्रेशन वक्त में मैं गया था, या शायद इनोग्रेशन के बाद गया था, क्लासेस शुरू हो गए थे तब गया था मैं। तो वहाँ एक ही स्कूल था उस गांव में जो इनके दादा वगैरह ने एस्टेब्लिश किया था 1935 में, लेकिन मुसलमान बच्चों के अंदर वो जज्बा नहीं था स्कूल में पढ़ने का। दूर दराज से हिंदू बच्चे उसमें काफी तादाद में आते थे और पूरा स्कूल भरा होता था उन्हीं बच्चों से, जबकि मुसलमानों के गांव में खोला गया था। फिर भी तो माशाल्लाह वहां से जो है ये निकल के और बड़े ही स्ट्रगल्स के बाद, क्योंकि बचपन इनका जो है वो काफी गुर्बत में गुजरा था, हालांकि अच्छी फैमिली से आते थे, लोग समझते थे कि अमीर अमीर हैं, अमीरजादे हैं, बट कहते हैं कि मोहताजी ऐसी थी कि जब ये जो मक्का इनके खेतों में उपजता था उसमें, और जौ उपजता था खेतों में, तो ये जौ की रोटी और मक्की की रोटी जो है खाने को मिलती थी। तो एक रोज जो है वो माँ ने बताया कि चावल बनाया है, तो उछलने कूदने लगे खुशी के मारे जो है वो। तो ये इन हालात में ये माशाल्लाह बड़े हुए और मेहनत की इन्होंने। वालिद साहब इनके जो थे वो मैथ्स के चैंपियन थे, अब उन्होंने क्यों डॉक्टर बनाना चाहा ये जरा अजीब मामला है कि वो हो सकता है कि उनको लगता होगा कि मैथ्स वाले लाइन में कैरियर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद उनका जो ख्वाब था कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज में पढ़े, कैम्ब्रिज में जाके पढ़े, वो उस ख्वाब की ताबीर के लिए इनको जरूरी था कि डॉक्टर बने। खुद तो नहीं पढ़ पाए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनके बेटे यानी वालिद साहब के का पोता जो है कैम्ब्रिज में पढ़ के माशाल्लाह शानदार बहुत नाम कर रहा है यूके में, सुभान अल्लाह। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि उसमें ये सारी मुश्किलों के बावजूद भी, जबकि इनके जिस स्कूल में पढ़ते थे गांव में, वहां पे उस स्कूल में साइंस का टीचर नहीं था, तो खुद से पढ़ाई की इन्होंने, साइंस की पढ़ाई सेल्फ स्टडी थी। मैथ्स तो फादर पढ़ाते थे मगर साइंस की पढ़ाई या खुद ही पढ़ते थे, मतलब समझिए बायोलॉजी जो है जरूरी था डॉक्टरी के लिए, तो बायोलॉजी खुद से पढ़ के इन्होंने और फर्स्ट डिवीजन हासिल किया। सिर्फ 5 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, उसमें से ये भी थे। और माशाल्लाह हालांकि फिजिक्स में बहुत कमजोर रहे, उसके बावजूद जो है इसका मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिया खुद से पढ़ के। मैथ्स को तो ये फादर ने लगता है कि इनके दिमाग से निकाल ही दिया था मैथ्स को,
इसलिए शायद ये बायोलॉजी की तरफ जो है वो इनका रुझान रहा, और डॉक्टर बनने का जो वालिद साहब ने ख्वाब दिखाया था या शायद उनका हुक्म मान करके उस लाइन पे आगे बढ़े। और सन 1960 ईस्वी में ये रांची मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। उस जमाने में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होता था, मार्क्स बेसिस पर थे, मार्क्स इनके आ गए थे कि इनका एडमिशन जो है माशाल्लाह उस जमाने में शायद दो तीन कॉलेज ही रहे होंगे मेडिकल के, तो उनका 1960 ईस्वी में जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे उस वक्त में इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। जिस रोज इनका एडमिशन हुआ था, एडमिशन करा के ये वापस शायद लौटे घर, तो इनकी वालदा का उसी रात इंतकाल हो गया। वालदा बहुत जमाने से दर्द सह रही थी अपने बीमारी की वजह से, बट बोलती कम थी, चाहती थी कि बच्चे पढ़ लें। इस चक्कर में जो है उन्होंने दर्द का जो है इजहार ठीक से कभी किया नहीं, इलाज उनका हो नहीं पाया पैसों की कमी की वजह से। तो ये है जिस तरह की स्ट्रगल्स आज के बच्चों को हम लोगों को नहीं देखने को मिली, नहीं करने को मिली, तो हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं तालीम का या एम्बिशन का। जो एम्बिशन है वो इनका, अब ये कहते हैं कि स्कूल के जमाने में जो है डॉक्टर साहब दुआएं मांगते थे, क्या दुआ मांगते थे कि हमको उन लोगों में शामिल कर, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों में शामिल कर जो देने वाले हैं, जिनका हाथ ऊपर होता है, देने वालों का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो ऊपर जिनका हाथ होता है उनमें हमको शामिल कर, ये स्कूल में ये दुआ किया करते थे माशाल्लाह। ऑफ कोर्स साथ में ये भी दुआ करते थे कि वालिद साहब का ख्वाब जो है वो पूरा हो और ये डॉक्टर बन जाए, इसके अलावा ये दुआ करते थे कि देने वाला बना। तो माशाल्लाह अभी जो है वो हमारे बिहार अंजुमन के पैटर्न्स में से जो लोग जुड़े हैं बिहार अंजुमन में, उसमें देने में सबसे आगे आगे डॉक्टर साहब रहते हैं, और हम लोगों के लिए बड़े जो है वो फख्र की बात है कि डॉक्टर साहब हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन 15 सालों से माशाल्लाह। तो ये स्कूल में, ये कॉलेज में, जब मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ पे तो घड़ी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, पेशेंट को देखना होता है तो पल्स देखने के लिए घड़ी हाथ में होनी चाहिए। घड़ी नहीं थी इनके पास में, वालदेन के पास पैसा नहीं था कि घड़ी का पैसा दें इनको, 100 रुपए की घड़ी मिलती थी, तो ये 3 रुपया महीना का, 60 रुपया जो वालिद साहब भेजते थे इनका इनकी पढ़ाई के लिए, उसमें से 3 रुपया महाना ये सेव करते थे, और 3 साल के बाद जो है वो ये 100 रुपया इकट्ठे हुए इनके पास, तो इन्होंने जो है वो माशाल्लाह देने की आदत थी। तो कुछ दूसरे बच्चों की, हालांकि खुद ही तकलीफ में जीते थे, नाश्ता नहीं करते थे पैसा नहीं होने की वजह से, कैंटीन कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज के कैंटीन का कि का पैसा नहीं पे कर सकते थे, तो इस वजह से बाहर खाते थे, घटिया खाना खाते रहे होंगे उस वक्त में, जो है वो चना फुला के जो है वो चना खरीदते थे और उसको फुलाते थे और खाने के तौर पे उसको खाया करते थे, नाश्ता तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो इस हालत में जो है माशाल्लाह, लेकिन 3 साल में इन्होंने 3 साल की सेविंग से एक घड़ी खरीदी, और मेरे ख्याल से 3rd ईयर में रहे होंगे जब इनके पास घड़ी आ गई, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी का दिन था इनके लिए। तो ये है इनका हाल, लेकिन इन्होंने जो है वो अपना कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, हिम्मत में कभी इनकी कमी नहीं देखी गई। पजामा कुर्ता के अलावा पहनने को तो कुछ था नहीं, जैकेट इन्होंने इनके मेडिकल कॉलेज की पूरी जिंदगी में इनके पास जैकेट नहीं था, इनके पास जो है वो मुश्किल से जो है वो कोई गर्म कपड़ा रहता होगा, कुर्ता टोपी, पजामा कुर्ता टोपी पहनते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके हुस्न अखलाक की वजह से इनके सारे दोस्त मुसलमान हिंदू सब जो है वहाँ पे उस माहौल में कि जिसमें जब ये इंटर्नशिप का जमाना था शायद, जब ये राइट हुआ था और वहाँ पे उस राइट में मुसलमान बच्चे बहुत कम थे, ऑफकोर्स इनके साथ ही 2-4, 5-10 रहे होंगे, और उसमें से एक मारा भी गया उस राइट में, हालांकि बहुत कम होता है कि मेडिकल कॉलेज में इस तरह का राइट हो, लेकिन उसको भी इन्होंने झेला माशाल्लाह। बट उसके बावजूद इनकी इज्जत जो है, इनके दोस्त ना उस जमाने में कम हुई इनके दोस्तों में, ना आज कम हुई, तो मैं समझता हूँ कि इनका जो मानना है कि इज्जत जो है वो कपड़े से नहीं होता, इज्जत जो है वो आपके दिखावे से या पहनावे से नहीं होता, इज्जत जो है आपके उसने अखलाक से होता है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत ही सबक आमोज बातें हैं ये, इसलिए मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। बनिस्बत इसपे कि इनके प्रोफेशनल लाइफ में कितना इनका अचीवमेंट रहा, ऑफकोर्स वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। इन्होंने यूके जाने का जो इनका मामला है, पैसे नहीं थे इनके पास यूके का, जब इनको मिला ऑफर वहाँ पे जॉब का, तो इनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, किराए मतलब वहाँ जाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उसके लिए वालिद को बेचने की जरूरत थी जमीन की, जमीन बेचने गए तो इनके जो जेलस रिश्तेदार थे या गाँव वाले, उन्होंने जो है वो बेचने नहीं दिया इनको, ऐसे रुकावटें डाल दी कि जमीन नहीं बेच पा रहे थे, तो पैसे नहीं थे इनके पास में। लेकिन जहाँ पे ये रहते थे रांची के पास चितारपुर में, वहाँ पे जिन साहब के घर में रहते उनको मालूम चला, तो उन्होंने फौरन जो है मदद की इनकी पासपोर्ट बनाने में, इसी तरह से मदद मिली इनको, जबकि उस जमाने में पासपोर्ट बनाना जो है बहुत बड़ी मुसीबत का काम था,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से चूंकि ये हमेशा परहेजगार रहे, हमेशा दुआ करते रहे अल्लाह ताला से, इसलिए अल्लाह ताला ये खास मदद इनके इनके ऊपर आती रही। और इनका यूके का सफर भी बहुत स्ट्रगल वाला था। वहाँ पहुंचने के बाद जो जिस रिश्तेदार के ऊपर इनको उम्मीद थी कि लेने के लिए आएंगे एयरपोर्ट पे, वो इनको लेने के लिए नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी माशाल्लाह इनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने अलग से गैर से मदद पहुंचाई और माशाल्लाह इनका कैरियर वहां पे शुरू हुआ और इन्होंने अपनी मेहनत से वहां पे वो रुतबा हासिल किया जो इनके साथियों में से किसी ने हासिल नहीं किया। वहां जाके कंसल्टेंट बने और जो जिस जो कंसल्टेंट बनना उस जमाने में बहुत ही टेढ़ी खीर थी और बड़ी डिग्री ली उन्होंने। उसके बाद जो है वो FFARCS वो डिग्री का नाम फेलोशिप है, फेलोशिप एग्जाम पास करके उन्होंने डिग्री 1981 में कंसल्टेंट हो गए। और इनकी जो है वो माशाल्लाह उसके बाद से, लेकिन इसके बाद से 3 हार्ट अटैक इन्होंने झेला। दूसरे हार्ट अटैक पे जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट, फाइनल रिटायरमेंट ले लिया जॉब से और आई थिंक 1995 में। और उसके बाद जो है वो इन्होंने 95 में पार्शल रिटायरमेंट लिया, 99 में फुल रिटायरमेंट लेकर के उसके बाद जो है वो इन्होंने खैर के काम में अपने आप को सर्व कर दिया। अब खैर के काम में जब लगे तब फिर जो है वो हम लोग के हाथ आए और हम लोग इनके बारे में जाने, हम लोग इनसे इंस्पायर्ड होना शुरू हुए माशाल्लाह। और आज के दिन जब भी कोई भी कहीं से भी कोई अपील आती है खैर की और उसमें ये कन्विंस्ड होते हैं, शिरकत करते हैं, डॉक्टर हलीमा सादिया विटनेस हैं कि हालांकि डॉक्टर साहब को कई लोगों ने जो है वो बरगलाया, बरगलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डॉक्टर साहब अड़े रहे और उन्होंने माशाल्लाह आपके सारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमारी कौम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहबर हैं। और माशाल्लाह इनका हम लोग दुआ करें कि इनकी जो है वो सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, इनका सर हम लोगों के हाथ, इनका जो है हाथ हम लोगों के सर पे हमेशा कायम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कायम रहे और जितने दिन भी ये हमारे बीच रहें उतने दिन हमारे लिए हम इनसे इंस्पिरेशन लें, कोशिश करें। हालांकि इनके जैसा तो स्ट्रगल हम नहीं कर सकते, इनकी जितनी मेहनत नहीं कर सकते, बट आज जो भी हम लोग सुन रहे हैं वो सब लोग कोशिश तो करें कम से कम कि इनके करीब पहुंच सकें और उस उतनी मेहनत कर सकें कि जितनी अल्लाह भी हमसे उम्मीद रखता है। तो इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं, मेरे पास बहुत मवाद है डॉक्टर साहब के बारे में, ख़त्म नहीं होगा अगर मैं 2-4 घंटे भी बताऊँ आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह वो मुस्तकबिल में किसी किताब में शाये होना चाहिए, हम लोगों में से कोई इंशाल्लाह इस डायरेक्शन में मेहनत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो डॉक्टर हलीमा सादिया आपको कि आपका सीजन 3 शुरू हो रहा है। जज़ाकअल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह शकील साहब, आपने जो जिस तरीके से आपने जिंदगी के हालात बयान किए हैं, यकीनन मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे जो जिस तरह की बातें आपने बताई हैं, चना खाना और इस तरह की जिंदगी गुजार के और यूके पहुंचना। यकीनन डॉक्टर इम्तियाज खान साहब ही ऐसा कर सकते हैं। और मैं माजरत चाहती हूँ डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब से कि थोड़ी सी हम लोगों को प्रोग्राम में ताखिर हो जाएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मगरिब अदा करके तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़रूर डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब अपनी ज़िंदगी की रोशनी में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। और हैप्पीनेस ऑफ लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ, इस मौजू पर अपने ख्याल का इजहार करें डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا لي قولي। معزز مہمان میزبان ڈاکٹر محترمہ ڈاکٹر حلیمہ، معزز ڈاکٹر عبدالحی، میرے عزیز بھائی شکیل احمد صاحب اور افضل حسین صاحب، اور میرے جتنے سامعین ہیں بھائی بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حلیمہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، میں اس کو اپنے لیے بڑی عزت اور سعادت کی باعث سمجھتا ہوں۔ میں اپنے کو ہرگز بولنے کا اہل نہیں سمجھتا اور میں نے معذرت کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر آپ کے خواہش کے احترام میں میں شامل ہو گیا۔ میں قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، میں شکیل بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت ہی مبالغے سے میری تعریف کی ہے۔ دراصل
गर्चे ये उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन तकरीबन 25 या 30 साल पहले ईमेल से इनसे रابطہ हुआ और ही हैज़ बीन ए बिग इंस्पिरेशन टू मी टू हेल्प द पीपल इन एजुकेशनल फील्ड। इन्होंने जो बिहार अंजुमन कायम किया है मेरे ख्याल में ऐसा इनकलाबी एनजीओ पूरे मुल्क में बहुत कम होगा। एंड ही हैज़ बीन माय बिग इंस्पिरेशन। सो वो मैं उनकी आगे कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ कहने के पहले आई वुड लाइक टू पे माय ट्रिब्यूट टू डॉक्टर हलीमा सादिया कि ये जो है मुसलमान हिंद की मेरी नज़र में काबिल फ़ख्र बेटी हैं। शी इज़ ए शाइनिंग लाइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल एंड बिहार इन पार्टिकुलर इन एजुकेशनल फील्ड। एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। I have been so impressed, you know. I knew her name through Bihar Anjuman, but until I attended her programs, I didn't know how much talent, how much dedication she has had. She has got a natural passion to teach, natural passion. And there may be many other ladies or men with equal or more qualification, but I think she is the most dedicated, most talented lady Allah has blessed us with, and I wish her all well in her life, in her program, in her mission. Allah Taala unki umar mein, unki zindagi mein, unki har cheez mein barkat ata farmaye. Aaj ka mauzu hai happiness. Bhai duniya ka har aadmi khushi chahta hai, magar ye khushi hum sab galat jagah talash karte hain. हम अब खुशी को माल दौलत में, जाहो हशम में और इक्तदार में, पावर में, पोजीशन में, स्टेटस में तलाश करते हैं। लखपति करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं और उसके लिए जायज़ नाजायज़ जद्दोजहद कोशिश करते हैं। अगर मगर अल्लाह ने ये खुशियाँ माल दौलत में, दौलत के अफराद में, स्टेटस में, पावर में, पोजीशन में हरगिज़ दे रखी है। अगर ऐसी बात होती तो दुनिया के सारे मिलियनेयर बिलियनेयर खुश होते, मगर ये बात हकीकत नहीं है। यहाँ पर एक बहुत मशहूर बीबीसी का प्रेजेंटर होता था एलन विकर, आप लोग उसको गूगल पर देख सकते हैं, और उसका विकर्स वर्ल्ड भी होता था। उसने दुनिया के सारे बिलियनेयर मिलियनेयर का इंटरव्यू लिया था और बहुत सारे प्रिंसेस और किंग्स का, और उसका मैंने वो लाइव प्रोग्राम देखता था कि उसका कहना ये था कि उसने किसी को भी खुश नहीं पाया। सभी ने एतराफ़ किया कि ज़िंदगी में चैन नहीं है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। एलन हिमसेल्फ वाज़ ए मल्टी मिलियनेयर, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पुरसकून उसने उस इंसान को पाया जिस पर खाने के एक वक्त, एक दिन के खाने के लिए पूरा है और सर छुपाने की जगह है। तो लहजा माल और दौलत में मैं खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। आप उससे चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन उससे खुशियां और सेहत नहीं खरीद सकते। ये सब खुशियां कहीं और हैं। अल्लाह ने जब ये दुनिया कायनात बनाई, फिर ज़मीन बनाई, उसको सजाया और इसके बाद इंसान को पैदा किया। और क्यों पैदा किया उसको अल्लाह ने कई एक जगह बयान किया है, लेकिन सूरह मुल्क की शुरू की आयतों में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सुभान अल्लाह, कि हमने इसीलिए पैदा किया है ताकि देखें कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। और ये कार्य खैर ये नहीं कहा कौन नमाज पढ़ता है, कौन रोज़ा रखता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा हज करता है, कौन सबसे ज़्यादा गुड डीड्स करता है, अच्छा अमल करता है। कुरान जो है ये ज़िंदगी का एक मैनुअल है। जैसे कार बनती है तो उसका एक मैनुअल होता है, कोई मशीनरी होती है उसका मैनुअल होता है। अगर इंसान उसके मैनुअल को न पढ़े
और उसको इस्तेमाल करे तो उसके इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसकी जान को ख़तरा है। इसी तरह कुरान की मैनुअल को अगर हम पढ़े नहीं और पढ़े उस पर अमल नहीं करें तो हमारे ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, गम हो गए, परेशानी होगी। तो लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में इंसानियत के तमाम मसाइल का हल बता दिया, अखलाकी हो, माशी हो, सेहत का हो, घरेलू मसाइल हो, अज़दवासी मैरिड लाइफ का हो, इनहेरिटेंस का मसला हो, हर चीज़ का हल इसमें मौजूद है। इसमें तरक्की और इज्जत का भी नुस्खा मौजूद है। अगर हम इसके डू और डोंट्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में मसले नहीं होंगे। अब मसले हो नहीं होंगे तो ज़ाहिर है कि इंसान खुश होगा। अभी क्या कहते हैं, हम इसके अलावे आदमी, हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना, हर आदमी के तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सियासत में होते हैं कि हमको इक्तदार हासिल हो जाए, और इक्तदार में, पावर में, पोजीशन में खुशियाँ तलाश करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोई 50 या 58 जो है ना वज़रा या वज़ीर आज़म जेल में हैं, और पिछले 50 सालों में हम लोगों ने या 60 साल में कितने इक़्तदार वाले हुक्मरानों का इबरतनाक अंजाम देखा है। तो अगर इक़्तदार में खुशी होती, बका होती, तो ये अंजाम नहीं होता। असल चीज़ है कि अल्लाह ने खुशियाँ कहीं और रखी हैं, अल्लाह ने फलाह कहीं और रखी है। अल्लाह फरमाता है कि खुशी का तल्लुक जो है दिल की इत्मीनान से, वह ज़िक्रुल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, और दिल का इत्मीनान जो है ना अल्लाह के ज़िक्र से होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तस्बीह लेके इतकाफ़ में मस्जिद में बैठ जाए, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। असल ज़िक्र ये है कि सुबह से शाम तक हम जो भी काम करें, छोटा या बड़ा, उस काम करने वक्त हमें अल्लाह याद आ जाए कि हमारा ये अमल अल्लाह या रसूल के हुक्म के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। ये नंबर वन। नंबर दो, हम ये सोचें कि हम वो क्या वो बातें कर रहे हैं जिसके बारे में कुरान भरा हुआ है कि तुम ये अमल साले, तुम ये करो, तुम ये करो। जो मैंने पहले बताया था कि जो कुरान की आयत कि कौन अमल साले करता है, ठीक है, हम कोई गुनाह नहीं करते, बट आर वी डूइंग द गुड डीड्स, आर वी टेकिंग पार्ट इन अमल साले, आर वी सपोर्टिंग अमल साले। तो ये जो चीज़ें, खुशी का ताल्लुक जो है ना अमल साले से है, और इसके लिए खर्च करना होता है। अल्लाह ताला फरमाता है खुशगवार ज़िंदगी का राज जो है ना अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में खर्च करने से है। जहाँ इंसान खर्च नहीं कर सकता है वहाँ दूसरों की उसको सपोर्ट करे। तावानु अल बिर व तक्वा, ये भी कुरान की आयत है कि नेकी के कामों में, चैरिटी के कामों में, अच्छे कामों में सब एक दूसरे कुरान करीम में जहाँ जहाँ नमाज का तस्करा आया है, जहाँ नमाज का तस्करा आया फौरन खर्च करने का आया। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफिकू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफिकू मिन क़ब्ल अय्याती यौमन ला बय्युन फीही वला क़ुल्लतु वला शफ़ातु, हर जगह आया। और तो ये खर्च करना ज़कात नहीं है, ज़कात तो फ़र्ज़ है। खर्च करना है जो अपने से ज़ायद माल हो उसको हम अल्लाह की राह में खर्च करें, सदका करें, गरीबों को दें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मदद करें, जो भी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि अभी डॉक्टर हलीमा सादिया का तो ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑनलाइन क्विज है, ये शकील अहमद साहब का जो बिहार अंजुमन है, ये सैकड़ों हज़ारों बच्चों को पूरे बिहार में ये स्पॉन्सर उनके बिहार अंजुमन के मेंबर करते हैं। तो इन सब में खर्च करने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने खुशियों का रास्ता वो आदमी की जेब से रखा है। हमने देखा है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो लोग नेक काम में हिस्सा लेते हैं,
उनके चेहरे पर कुदरती बशाशत होती है, उनके चेहरे पर खुशी होती है। और ये लाजमी बात है क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में के आखिर में लिखा हुआ है इन्नल लज़ीन आमनू व अमलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, जो लोग ईमान के साथ नेक अमल करते हैं, साले अमल करते हैं, तो हम उस आदमी की मोहब्बत मखलूक के दिल में डाल देते हैं। अब जिस आदमी की मोहब्बत अल्लाह ताला मखलूक के दिल में, दूसरे लोगों के दिल में डाल दे, वो कैसे नाखुश रहेगा। लहजा ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटेबल वर्क में, एजुकेशनल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, दीन और इस्लाम की तबलीग का फील्ड हो, उसमें हिस्से लेने की ज़रूरत है और मदद करने की ज़रूरत है। अगर हम न करें तो ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, या हम ख़त्म हो जाएंगे या माल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया है मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाह बाक, तुम्हारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मेरे पास है बाकी रहेगा। और अल्लाह का ये वादा है कि अगर तुम नेक अमल करोगे तो हम तुमको इस ज़िंदगी ही में बेहतरीन लाइफ देंगे। कुरान की आयत है सूरह नहल में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, क्या जब अल्लाह कह रहा है बेहतरीन ज़िंदगी देंगे तो आदमी अनहैप्पी कैसे होगा। ये मामला गड़बड़ी शुरू होती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जाहिर है कभी कभी अल्लाह ताला आजमा नेक लोगों को आजमाता भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आमाल को देखें और आमाल सालिहा में जो लोग भी करते हैं, अगर हम खर्च नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनका भरपूर तआवुन करें, ये नहीं है कि उनकी टांग खींचें। आखिर में मैं एक दो हदीसों का तذکرہ कर देता हूँ, बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खर्च करो, गिना नहीं करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें भी गिन के मिले, और जोड़ जोड़ के ना रखो ताकि तुमसे अल्लाह अपनी नियमतों को छुपा न ले। और दूसरी हदीस का मफहूम है कि हिदायत जो मुत्तकीन के लिए मखसूस है उसकी 5 शरायत हैं, जिसमें ईमान और नमाज के बाद तीसरी शर्त जो है खर्च करना है, तीसरी शर्त है खर्च करना। दूसरे माने में हिदायत का मिलना हमारी जेब के रास्ते से होता है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम सब तमाम इल्मी, तालीमी, दीनी और तिब्बी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मुसलमानों के जितने खैर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम तआवुन करें, उसमें खर्च करें, और जो लोग इसमें अगर काम कर रहे हैं उनको वी गिव फुल सपोर्ट, और आज जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जो है ना हम दुआ करें कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत आ पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब, आपने बहुत ही खाकसारी के साथ, बहुत ही मतानत के साथ और बहुत ही नर्म लहजे में वो तमाम अहम बातें बता दी जो किसी मुसलमान के लिए एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ और मैं तमाम मेहमानों का यहाँ शुक्र अदा करती हूँ। और अब आ गए हैं हम उस मकाम पर जहाँ हमें ये बताना है के जहाने मन सीजन 3 क्या लेकर के आया है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। उससे कब मैं आप सबको ये बता दूं कि मुझसे तो ज्यादातर जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो वाकिफ ही होंगे, फिर भी मुख्तसरन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि मेरी 28 साल प्रोफेशनल लाइफ है जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करते हुए गुजरी है, बच्चों के दरमियान गुजरी है, और मेरी ये कमजोरी है कि मैं बच्चों को के बगैर नहीं रह सकती। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ दूसरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ बातें करना, उनको कुछ सिखाना, उनकी कुछ ट्रेनिंग करना, ये सब मुझे ज़ाती तौर पे मतलब कि एक जिबिल्लत है, एक अंदर से इंस्टिंक्ट है कि वो मुझे पसंद है। इसी शौक के तहत मैं तमाम काम करती हूँ। और मैं 7 साल तक दुबई में एज ए प्रिंसिपल थी और वहाँ मैंने भी बच्चों की बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। उसके बाद जब यहाँ हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान में मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में एज ए डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन किया,
तो डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से मुझे 16 स्कूलों को खोलना था। जब मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ये जान के कि मुझे इस फिर बच्चों के दरमियान रहने का और स्कूल खोलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट काम नहीं मुकम्मल नहीं हो पाया, यानी कि वो सिर्फ एक कागजी प्रोजेक्ट था जिसके तहत अपॉइंटमेंट किया गया था, कभी वो अमल में आया ही नहीं। और इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए और जैसे ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी दोबारा से उसमें आ गई, पावर में आ गई, वैसे ही उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अब बात यह है कि जाहिर सा जब आपने 28 साल तक बच्चों की खिदमत की है और अपने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फिर आप बगैर दिए हुए रह नहीं सकते हैं। वक्फ बोर्ड का एक प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया, इससे मेरी अपनी जो तगोदो है, मेहनत है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही सोच करके हमने जहाने मन की बुनियाद डाली पिछले साल रमजान में। अब माशाल्लाह 10 महीने हो गए हैं और इस 10 महीने के दौरान मैंने यही कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादातर बच्चों तक और बड़ों तक पहुंच सकूं, खासतौर से खवातीन और बच्चे, ये दो मेरी कमजोरियां हैं और दोनों को मैं एम्पावर करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मैं कभी भी किसी से भी किसी किस्म के ताउन के मैंने जहाँ भी बात की वो इसीलिए बात की ताकि मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो जहाने मन ने इस दरमियान 2 सीजन मुनाकिद किए हैं और अब तीसरे सीजन में ये प्रोग्राम्स हैं जो हम करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिशन्स हैं, वर्ल्ड कैंसर डे पे कॉम्पिटिशन होगा, इंटरनेशनल वीमेन डे पे होगा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे होगा, वर्ल्ड डॉटर डे पे होगा, मदर्स डे पे होगा और वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे होगा और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे होगा। ये जो सीजन 3 है ये फरवरी से लेकर जुलाई तक चलेगा और फरवरी से जुलाई तक ये जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं जो हमने प्लान किए हैं। इसके अलावा इस्लामिक कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट होते हैं और जनरल कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट होते हैं और ये डेली प्रोग्राम्स हैं जो हर दिन आप देखेंगे। शाम को 6 बजे लाइव शोज होते हैं जिसमें मंडे को टीचर्स के लिए मोटिवेट मिलियन टीचर्स के नाम से होता है, ट्यूसडे को बुक लवर्स के लिए होता है जिसमें हम ऑथर को बुलाते हैं और उनसे उनकी बुक के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा उर्दू मेरी जान के नाम से एक प्रोग्राम होता है, नारी तेरे मन की बात में औरतों की बातें की जाती हैं, उनके इशूज पे बात की जाती है। जिक्रे साहबियात मोहतरमा मुसर्रत साहबा हर वेडनेसडे को करती हैं पाबंदी से, इसमें हम अपनी किसी न किसी साहबिया को एज ए रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं। और पेरेंटिंग इज एन आर्ट में हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं और काउंसलर्स को इनवाइट करते हैं। और लर्नोवेट मिनी टीचर में हम किसी बच्चे को टीचर का किरदार अदा करने को देते हैं और बच्चा तैयार होकर के आता है और वो टीचर का किरदार अदा करके हमें सिखाता है। इसके अलावा हम सैटरडे को पर्पल बुक में क्विज शो होता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रोजाना लाइव शोज 6 बजे होते हैं जहाने मन की जानिब से, जिसमें फैमिली के हर फर्द के लिए, उसकी दिलचस्पी के लिए तालीमी प्रोग्राम्स होते हैं और तफरीही प्रोग्राम्स भी होते हैं। जहाने मन की एक खास कोशिश ये है कि इस्लाम से बच्चों को करीब किया जाए, इसके लिए इस्लाम फॉर चिल्ड्रन के नाम से जो प्रोग्राम होता है जिसमें डॉक्टर इम्तियाज खान साहब हमारे मेंटर और सरपरस्त हैं, वो भी मौजूद होते हैं। उसमें हम बच्चों के मुख्तलिफ मौजूआत पे कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं। जैसे अभी जो हमने सीजन 3 में प्लान किया है वो ये है कि स्पीच कॉम्पिटिशन होगा हलाल फूड पे, क्योंकि आजकल हलाल फूड के लिए बच्चों के जहन में बहुत मिसकॉन्सेप्ट हैं, कभी KFC को लेके, कभी जो मैकडोनल्ड के बर्गर्स हैं वो लेके, और जितने भी ये नए फास्ट फूड के जितने भी जॉइंट्स हैं इसमें कहाँ तक हलाल है, कैसे वो पता कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें मालूमात होनी चाहिए। और फिर विमेन एम्पावरमेंट पे हम मार्च के महीने में करेंगे, रमजान के महीने में करत कॉम्पिटिशन करेंगे, उसके बाद फिर डिवोशनल सॉन्ग यानी कि हम्द और नात का मुकाबला होगा, उसके बाद फिर सिंपोजियम होगा और फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा महीना होगा इस सीजन का उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक क्विज का इनकाद किया जाएगा जिसकी तफसीलात बच्चों को गाहे बगाहे दी जाएंगी। इसके अलावा हम जहाने मन की जानिब से वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स कराते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा ये है कि आप किस तरह से जहाने मन में अपना, मतलब जहाने मन का साथ कैसे दे सकते हैं आप, तो इसके लिए बी अ पार्ट ऑफ जहाने मन आप सब्सक्राइबर हैं तो भी थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे किसी शो में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए स्पीकर, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वेबिनार्स में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं आइदर एज ए पार्टिसिपेंट और स्पीकर, या फिर आप एज ए रिसोर्स पर्सन आते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह से आप हमारा एक पार्ट बन सकते हैं जहाने मन का।
अगर आप ये सब नहीं कर सकते बजाते खुद, तो आप एक वेलविशर की हैसियत से हमारा तावुन कर सकते हैं, जैसे कि आप इस चैनल के बारे में दूसरों को बताएं और अच्छी बात बताएं, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं, जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उसे शेयर करें, उसको वॉच करें, और फिर आप हमारे मेंटर भी बन सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर इम्तियाज खान साहब हमारे मेंटर हैं हमारे इस्लामिक प्रोग्राम्स के। तो ये जो है हैप्पीनेस एट योर डोरस्टेप, यानी डेली आपके घर पे, आपके मोबाइल में, आपके दरवाजे पे ये खुशी आ रही है। अब हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो jahanemon2018@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के जो ये टॉप 10 वॉच वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा लामा इकबाल के शेयर की हमने वजाहत की है, 20 वीडियोस बने हैं उसमें, लेकिन इत्तफाक से एक वीडियो उसका जो है वो बहुत ज्यादा वॉच किया गया है, जो 5150 से ज्यादा व्यूज हैं, और ये वो वीडियोस हैं जो टॉप 10 में आते हैं, जिसमें सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा, मेराज फातिमा, हफ्सा शहलाल, इनके तो असमाउल हुस्ना के वीडियोज हैं, बुशरा गजाली के पेट्रियोटिक सॉन्ग है, हफ्सा का डिवोशनल सॉन्ग है, मेरी माय जर्नी के पे एक वीडियो बनी हुई है वो है, मीट माय टीचर है, अल्लामा इकबाल के मोटिवेशनल अशआर है, और फेवरेट टीचर है, ये वो वीडियोस हैं जो टॉप 10 में हैं। इसके अलावा जो सीजन 1 में इनामात दिए गए थे 58 बच्चों को दिए गए थे, इंक्लूडिंग 28 इस्लामिक बच्चों को, तो ट्रॉफीज के साथ साथ कैश अवार्ड भी दिए गए, और सीजन 2 में 118 इनामात दिए जाएंगे इंक्लूडिंग इस्लामिक प्रोग्राम एंड टीचर्स, लेकिन सीजन 2 में हम उनको सिर्फ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं इन बच्चों को। तो जहाने मन एक कोशिश कर रहा है कि वो डिफरेंस पैदा कर सके समाज के अंदर, 266,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 2,665 सब्सक्राइबर्स, 140,200 व्यूअर्स एंड 5,100 वॉच टाइम। तो अब हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि देखिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत ही साफ साफ ये कहा था कि हम बड़ा सोचें, और अगर हम बड़ा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम लैंड कर जाते हैं, अगर हम बड़ा नहीं सोचते हैं तो हम जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, या फिर हो सकता है जमीन के अंदर ही धस जाएं। तो अगर हम आसमान पे चांद तारों को तोड़ने का ख्वाब देखेंगे तो हो सकता है कि हम खलाओं में परवास कर सकें। इसलिए हमने ये फ्यूचर प्लान में अपने ये रखा है कि हम वर्चुअल स्कूल, क्योंकि अभी CBSE भी बहुत हद तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के फेवर में है, तो एक वर्चुअल स्कूल जिसके जरिए हम गांव देहात के बच्चों तक पहुंच सके। इसका आइडिया मुझे इस तरह आया था कि मैं एक जगह एक गांव के स्कूल को विजिट करने गई थी, तो वहां बच्चों को APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम भी नहीं पता था कि वो कौन है। अब बताइए जब उनका नाम नहीं मालूम है तो वो बच्चे उनसे तरगीब कैसे लेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें SANDE संडे के स्पेलिंग टीचर पढ़ा रही थी। तो होता क्या है कि जो इंटीरियर एरियाज हैं वहीं पे ज्यादा हमें ब्रेन मिलता है, वहीं पे हमें ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे मिलते हैं, लेकिन वहां सही मालूमात नहीं पहुंच पाने की वजह से हम वर्चुअल एक स्कूल, जो बच्चे अपने घर बैठे भी तालीम हासिल कर सकते हैं, और एजुकेशनल TV चैनल जो कि कम से कम केबल पे ये TV स्टेशन आ सके, और ये एक एजुकेशनल चैनल हो जिसपे के क्लास वाइज भी तालीम हो, और प्लस इसके अलावा जो इस्लामिक प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम भी किए जा सके। ये हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है। तो मैं आप सबके तआवुन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जनाब इम्तियाज खान साहब और जनाब अब्दुल हई साहब अगर तशरीफ रखते हैं, आई थिंक अब्दुल हई साहब चले गए हैं, तो आप अफजल भाई यहाँ पे है, मौजूद हैं अफजल साहब, हाँ बोलिए हलीमा। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे जो है ना वो जहानेमन Season 3 के ये प्रोग्राम सबने रखे हैं, बस अब आप अब्दुल हई साहब तो तशरीफ ले जा चुके हैं मेरे ख्याल से, है नहीं? तो डॉक्टर अब्दुल हई मौजूद है? हैं?